सो यू व्हाट्सएप नहीं गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, और ये होने वाला मेरा सर्वाइवल सीरीज हैशटैग फिर भूल गया, कोई नहीं। सबसे पहले मैं अपने कुछ सेटिंग्स को सही कर लूँ, फिर उसके बाद मैं करता हूँ अपना गेम स्टार्ट। तो ये ठीक लग रहा है। हाँ, तो इतनी देर में कितने ज़्यादा क्रीपर नहीं आए, पर कोई नहीं। और अभी मैंने फ़िलहाल तो मैंने शायद अगले एपिसोड में हाँ नेदरराइड माइनिंग की थी, तो अभी मेरे बाकी जो टूल्स हैं उसको भी मुझे नेदरराइड में कवर करना है। तो उसके लिए मैंने गन पावर तो खूब सारा कलेक्ट कर लिया है, और ये कम से कम 24 टैग पहले मुझे लगते थे, पर नहीं, 24 टैग से भी ज़्यादा एक घंटे में दे देता है ये फार्म। तो आई थिंक बहुत अच्छा फार्म है। सो अब फिर से करते हैं हम अपने 100 शुगर कैंस गो, और कर लेते हैं इसको 600 शुगर कैंस। आई थिंक शायद 600 या उसके ज़्यादा हैं, पता नहीं, यानी भी लगाने के बाद पता चल जाएगा। सो गाइस, मैंने सारे सारे गेंस कलेक्ट कर लिए, अब जल्दी से इनका बना लेते हैं पेपर, और फिर कर लेते हैं विलेजर से ट्रेडिंग। और मैंने कुछ लेडर्स भी और बनाई, क्योंकि मैंने पिछली एक बार मैंने वो जो नेदरराइट माइनिंग की जगह है वहाँ पे मैं वो लेडर्स नहीं लगाई थी। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी ये डायमंड के जो टूल्स है उसके लिए नेदरराइट क्यों नहीं कलेक्ट करा, तो वो मैं ऑफलाइन करूँगा, क्योंकि जो मैंने गेम खेला था तो वो जब नेदरराइट के लिए जब TNT ब्लास्ट होता है तो गेम बहुत ज़्यादा लैग करने लगता। ओवरवर्ल्ड में TNT ब्लास्ट होता है उतना लैग नहीं करता, पर पता नहीं नेदर में ब्लास्ट होने में खूब लैग करता है, तो इसलिए वो नेदरराइट माइनिंग तो मैं ऑफलाइन करूँगा। फिलहाल जल्दी से हम इनसे ट्रेडिंग कर लेते हैं। सो गाइस, सारे पेपर ट्रेड हो चुके हैं और इसकी ट्रेडिंग भी ख़त्म हो गई, बस ये आखिरी बचा है, तो इससे भी कुछ पेपर ट्रेडिंग कर लेते हैं। और 37 हुआ है, सो इतने इनफ है, 19 से ज़्यादा ही मिल गए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं अपने कैसल का सेकंड फ्लोर बनाना। फर्स्ट फ्लोर तो वैसे बना ही चुका हूँ मैं, फर्स्ट फ्लोर बनने वाला था, और साथ में मैं हो सकता है इन सब सामान को एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहे हैं। और मेरे पास कुछ ऑप्शन रखे थे, मैंने इन दोनों साइड पर एक पोर्टल बना दी, वैसे दो की ज़रूरत नहीं थी, पर दोनों साइड सेम रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो एनीवे जल्दी से इन दोनों को लाइट अप कर देते हैं, और ये हमारे उस पुराने वाले पोर्टल से कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम उस पुराने वाले को जल्दी से तोड़ देंगे। और शाम हो चुके हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि वहीं पे कनेक्ट होता है या नहीं। तो हेयर वी गो, हाँ वहीं पे आया है। सब जल्दी से यहाँ पे डिग डाउन करके लगा लेते हैं लेडर्स, इधर यही जगह है क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट करा था। तो आई थिंक इतने लेडर्स ही मेरे पास है, तो बाकी के मैं और नीचे बाद में ले आऊँगा, यहीं से लगा लेते हैं सारे लेडर्स। तो अब चलते हैं घर को वापस, और यानी कि मैं जब भी नेदर से वापस घर पे आता हूँ तब भी गेम बहुत ज़्यादा लैग करता है। देखो कितनी बिल्कुल ऐसे चल रहा है जिसकी 1 FPS पर चल रहा हो। तो एनीवे अब हम जल्दी से पूरे पोर्टल को तोड़ देते हैं और यहाँ से अलग कर देते हैं। पोर्टल तो हो चुका है, अब जल्दी से हम अपनी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो हाँ, इसमें है स्प्रूस बोर्ड, जल्दी से बोर्ड ले लेते हैं, और शायद ये स्लैब्स की भी ज़्यादा स्लैब बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इतने सबको लेके चलते हैं। और इन सब के मुझे बनाने हैं पहले वो फेंस या फेंस गेट, हाँ फेंस बनाना है मुझे सबका। पहले प्लैंक्स बना लेते हैं, फिर उसके फेंस तो बन चुके हैं, और चेस्ट भी खूब सारी बन चुकी है, और स्लैब भी बन चुके हैं। तो अब जल्दी से मैं बना लेता हूँ अपना स्टोरेज एरिया। तो बस मुझे यहाँ से 2 ब्लॉक की, मतलब ये इस साइड के 2 ब्लॉक तोड़ने हैं, और फिर मुझे ये पूरी लाइन आगे तक लेके जाना है। ये मेरा बगल वाला रूम है जो मेरे महल के बिल्कुल बगल में था, तो मैंने यहाँ पे पूरे में लगा दिए हैं। और ये आखिरी ब्लॉक और हैवी को कम्प्लीट हो चुका है, अब मुझे यहाँ पर बनाना है स्टोरेज एरिया। तो सबसे पहले मुझे एरिया डिसाइड करना पड़ेगा, तो इस साइड को मैं एक साइड और ले जाता हूँ, क्योंकि बेकार लग रहा है इसमें, और आई थिंक ये शायद सही लग रहा है। हाँ, तो अब मुझे सबसे पहले 1 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे डबल चेस्ट लगाना है, और फिर 1 ब्लॉक छोड़ के फिर ऐसे ऐसे करके मुझे पूरे आगे तक लेके जाना है। सो हियर वी गो, चेस्ट तो पूरी लग चुकी है, अब मुझे यहाँ पे लगाना है फेंस लगाना है। तो जिस साइड मैंने छोड़ी है जगह, यहाँ पे मुझे 2 ब्लॉक हाइट के लगाने फेंस, एक हो गया 2 और 3, एक काम करते 3 लगा देते, क्योंकि मैं डबल चेस्ट मतलब चेस्ट के ऊपर भी चेस्ट रख दूंगा। तो जल्दी जल्दी सबको लगा लेते हैं, आई शुड इस इट सी नाइस, पता नहीं, एक बार लगा के देखते हैं। तो मैं अपर साइड को लगाऊं कि लोअर, अगर मैं लोअर साइड को लगाऊं तो शायद चेस्ट नहीं खुलेगी, पर कि खुल जाएगी एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं लोअर साइड को लगा दिया है, और एक यहाँ पर भी लगा देते हैं चेस्ट। अब यहाँ पर चेस्ट लगा के देखते हैं, चेस्ट खुली तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस साइड से जुड़, पर अगर उस साइड का ब्लॉक रहेगा पूरा तो फिर चेस्ट तो खुल नहीं पाएगी। हाँ, तो क्या करूँ, ऐसे ही रहने देते हैं, और अब चेस्ट लगा के देखते हैं, चेस्ट खुलती है तो ठीक है, नहीं तो स्लैब को 1 ब्लॉक ऊपर कर देंगे। तो
फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ डेकोरेशन टाइप का कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। अब जल्दी से यहाँ पे चेस्ट लगा लेते हैं, तो डबल चेस्ट यहाँ पे लगा दी, ऐसी सब जगह डबल चेस्ट, पर सिंगल चेस्ट ज़्यादा अच्छी, शायद डबल चेस्ट ज़्यादा अच्छी लगी थी। और अब खोल के देखते हैं कि ये चेस्ट खुलती है या नहीं। यहाँ चेस्टें तो मैंने पूरी लगा दी हैं, पर हाँ आई एम राइट, ये खुल नहीं रही हैं, यानी मुझे ये जितनी भी स्लैब है उनको एक ब्लॉक ऊपर करके लगाना पड़ेगा, और जो फेंस की पर उसको छोड़ के जल्दी से लगा लेते हैं इन्हें। सो हियर वी गो गाइस, एक ब्लॉक ऊपर लग चुकी हैं, और आई थिंक हाँ अब अच्छी लग रही है, वैसे पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही शायद, अभी भी मैं कन्फर्म नहीं हूँ, पर जो भी वो अच्छी लग रही है। तो अब जल्दी से इन सब के बना लेते हैं प्लैंक्स, और बना लेते हैं इनकी चेस्ट, क्योंकि चेस्ट तो मुझे अब बहुत सही लगना है, क्योंकि जैसे मैंने इस साइड बनाया वैसे मुझे दूसरी साइड भी बनाना है। तो हेयर वी गो, ये दूसरे साइड का भी हो चुका है कंप्लीट, आई थिंक कंप्लीट, थोड़ा बहुत शायद एक दो छूट गई होंगी पर नहीं। तो एनीवे अब जितना भी ये सामान है मैंने इसको मैं शिफ्ट तो कर दिया है, और वहाँ की सारी चेस्टें हटा दी हैं। अब बारी है यहाँ के फर्नेस की और क्राफ्टिंग टेबल और बाकी की जितने भी ये वर्क स्टेशन हैं इन सब की, जल्दी से इन सबको कलेक्ट कर लेते हैं और फिर इनको भी इनकी जगह लगा देते हैं। तो वैसे मैं फर्नेस थोड़ी ज़्यादा बना लेता हूँ, क्योंकि इस बार मुझे फर्नेस का बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया बनाना है, और दोनों रूम में बनाना है तो वैसे भी ज़्यादा लगेगा ही। तो देखते हैं कहाँ पर लगाते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर बढ़िया लगेंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से पूरी एक फर्नेस की वॉल बना देता हूँ, ऐसी दूसरी साइड बनाऊँगा, तो वैसे फर्नेस हद से ज़्यादा हो जाएंगे पर देखने में भी अच्छे लगेंगे, तो डेकोरेशन का काम करेंगे एक तरीके से। और दूसरी साइड में बाद में बना लूँगा, फिलहाल मैं अभी से वहाँ पर फर्नेस आगे लगा देता हूँ। और ये वुल्फ कहाँ से आ चुका, एक काम करते हैं इसको भी टेम कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बोन्स तो खूब सारे हैं ही, शायद इस चेस्ट में हाँ ये है, तो 8 बोन्स हैं, इतने में तो आराम से जाएगा। वैसे 8 नहीं है, 2 स्टैक और 8 है, और फिलहाल मैंने 8 ही लिए हैं, और एक में हो गया तो अच्छा है, तो 1 2 2 में हो गया। इसको मैं अपने उस पर बैठा देता हूँ थॉन्स पे, तो जल्दी से लेके चलते हैं। सो गाइस, लगता है माइनक्राफ्ट खेल के मेरा दिमाग सड़ रहा है, मैंने गलती से थ्रोन को थॉन्स पढ़ दिया, जो कि माइनक्राफ्ट का वो एन्चेंटमेंट नहीं है, थॉन्स वो पढ़ दिया। एनीवे अब जल्दी से थोड़ा बहुत और सामान बचा है, इसको भी जल्दी से शिफ्ट कर लेते हैं, और थोड़ी बहुत फर्नेस भी और बना लेते हैं। तो हियर वी गो, 7 बज भी चुके हैं, और जितने लगने थे उतने लग चुके हैं, तो अब जल्दी से इन सबको रख जाते हैं। और अब बनाना है मुझे 2 बेडरूम, तो एसी वाली चेस्ट में रख दें जिसमें ऑब्सीडियन है फिलहाल के लिए। तो अब बना लेते हैं अपना बेडरूम, और जितने भी ये वर्क स्टेशन मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, और क्राफ्टिंग टेबल का मैंने अभी तक सोचा नहीं है सर, हाँ यहाँ पे लगा देते हैं दोनों रूम की एक साइड 2 क्राफ्टिंग टेबल, तो क्राफ्टिंग टेबल का भी हो गया, बाहर है बेडरूम। सो बेडरूम भी कम्प्लीट हो चुका है, बस यहाँ पर बेड लगाना है, और दूसरा बेड मैं बाद में लगा दूंगा। तो आई थिंक उतना कुछ खास लग नहीं रहा है, शायद मैं इसके ऊपर ट्रैप डोर लगा दूँ तो शायद अच्छा लगेगा। फिलहाल मैं जल्दी से यहाँ पे बेड लगा देता हूँ, 2 इस साइड लगाने, और एक एक्स्ट्रा बेड जो मेरे इन्वेंट्री में रखा है वो मैं दूसरी साइड लगा दूंगा। तो हेयर वी गो, 3 बेड हो चुके हैं, और यहाँ पे मैंने ऊपर ट्रैप डोर लगा दिया, तो आई थिंक अब अच्छा लग रहा है। और ये फ्लोर पे मैं अभी काम नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अब जल्दी से मैं इसको अपने थ्रोन पे बैठा देता हूँ, तो आई थिंक यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सही रहेगा, तो थोड़ा बहुत आगे खिसका देते हैं। और आई थिंक ये मेरी तब देख क्यों नहीं, अच्छा हाँ अब देख रहा है, तो अब अच्छा लग रहा है। मैं इसके बगल में एक और ले आकर बैठा दूंगा, फिलहाल वो तो बात का काम है, अब जल्दी से मैं अपने सारे टूल्स को रिपेयर कर लेता हूँ। सो कि गाइस, टूल को रिपेयर करने के लिए इससे अच्छा फार्म नहीं है कोई भी, इतनी जल्दी रिपेयर हो जाती है इसकी कुछ कह नहीं सकते। तो हियर वी गो, वैसे गन पाउडर इतना कुछ खास, वैसे मैंने कुछ ज़्यादा देर करा भी नहीं है इसके, तो अब एक बार अपने कैसल की फ्रंट लुक भी देख के आ जाते हैं। तो इस साइड से कैसल काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं उम्मीद से ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, वैसे मैं फ्रंट से कभी देखा नहीं है अपने कैसल को, इसलिए पहली बार मैंने सोचा कि एक बार देख लेते हैं। तो जल्दी से मैं थोड़ा बहुत स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके स्टोन ब्रिक बना के मैं ऊपर का फ्लोर भी कंप्लीट कर देता हूँ। सो गाइस, अब जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस, उसको तो मैंने कंप्लीट कर लिया, अब जल्दी से फिर से रिपेयर कर लेते हैं टूल्स। मैं पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा डैमेज होने में ये रिपेयर करने आ जाता हूँ। तो एनीवे, जो मैंने उसको चेंज किया है उसकी लुक मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पीस आउट एंड बाय बाय।